आप जगन्नाथ के अंदर के मंदिर से बाहर का व्यू, एंड यू कैन सी दिस द वाटरफॉल, द ब्यूटीफुल वाटरफॉल ऑफ जगन्नाथ, जो कि यहाँ पर एक ऊपर से झरना बहता है जो कि शंकर भगवान के जस्ट ऊपर बहता है, और ये पूरे साल भर चलता है और काफ़ी सालों से चल रहा होगा ये। यहाँ पर पता नहीं पार्किंग वगैरह के यहाँ पर रसीद काटी जा रही है, एक बाइक ये रही एक वो रही, अभी चलते हैं। फिलहाल गेपरनाथ वाटरफॉल की कोटा सिटी सेंटर से दूरी लगभग 20 किलोमीटर है, जो कि रौदभाटा रोड से एक रास्ते पर एक रोड से वहां से यहां पर जाना होता है। और साथ ही आपको बता दें कि यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर सीढ़ियां उतरकर मंदिर पर जाना होता है, और साथ ही यहां पर लगभग 300 सीढ़ियां है जिनको उतर उतर ही मंदिर पर पहुँचा जा सकता है। पहले भी चल के आए थे, आप सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाते हो, यहाँ से आप देखिए व्यूज, अब क्या ही व्यूज है यहाँ पर। और ये रही यहाँ से सीढ़ियाँ भाई, तो इधर पीछे भी रिकॉर्ड करो, पीछे भी रिकॉर्ड करो, या इधर इधर, एंड या ये यहाँ से इधर की साइड आ रहा है क्योंकि वहाँ पे रॉन्ग साइड चला गया था ऐसे। अब बात करें तो इस मंदिर की, तो यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। इस मंदिर को राजा भोज की पत्नी ने इसका निर्माण करवाया था, और 1961 में पुरातत्व विभाग ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, और साथ ही इसकी देखरेख का कार्य श्रावण मास और महाशिवरात्रि के समय शिव भक्तों की यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है, और साथ ही यहाँ पर मानसून के समय भी अत्यधिक भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो दृश्य होते हैं प्रकृति के वो काफ़ी मनोरम दिखाई पड़ते हैं। पीछे मेरे पीछे सब डर डर के एक एक कदम आगे बढ़ा रहे, पता नहीं क्यों। आ रहे हैं यहाँ पे नीचे तो चलते हैं बाकी की तरफ, यहीं से जस्ट थोड़ी सी मिनट की दूरी बची हुई है पहुँचने में, और लगभग कुछ ही सीढ़ियाँ बाकी बनी हुई। यहाँ पर कुछ लोगों की हालत खराब हो चुकी है मेरे पीछे, ये देखिए एक वाटरफॉल आपको बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से भी पानी आ रहा है मस्त। और ये भोए लोग वापस पीछे रह गए फोटो खिंचाते हुए। अरे इतना लेट कहाँ हो जाते हो तुम, अच्छा भाई बहुत पब्लिक आ रही है यहाँ, भर भर के पड़ी हुई है, संडे और मेनली संडे है ना, इस वजह से काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ से, मस्त सा पानी आ रहा है यहाँ पर। ये है भाई, ये देखिए भाई, भाई कुछ लोग की तो ऐसी हालत खराब हो गई है, लाइफ में पहली बार इतनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे। वैसे मुझे तो इतना कुछ थकान वगैरह महसूस नहीं हो रही फिलहाल अभी चलते हुए, लेकिन ये देखिए इन भाई लोगों की हालत खराब हो गई है चलते चलते, पता ही नहीं ऐसी क्या ही मतलब शरीर को किया हुआ है इन लोगों ने, इसमें थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते ही बस आह चला नहीं जा रहा ऐसी कुछ। यहाँ से आ रहा था वो पानी भाई, ये चट्टाने देखिए आप फिलहाल क्या खतरनाक चट्टाने आ रही है।
नहाने के लिए उतावले पड़े हैं। जो भी देखो यहाँ पे नहा रहा है, जो भी देखो यहाँ पे, और पानी भी ऊपर से गिर रहा है मोस्टली, इस वजह से ये देखिए यहाँ पे भाई मुद्रा में लगे पड़े हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक घंटी है, यहाँ पे नंदी है सामने, यहाँ पर देखे शिव जी की, और ये कुछ दिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ सामने सामने शंकर भगवान केपरनाथ महादेव का मंदिर है। साथ ही ये देखिए, और इन भाई की अगर मुद्रा देखिए पहले की मुद्रा में, और जो भी देखोगे आपको नहाते हुए दिखाई देगा, जो भी आ रहा है अधिक से सब नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं वैसे। और यहीं पर ये वाटरफॉल यहाँ पर गिर रहा है, बेसिकली यहाँ पर पानी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है, इस वजह से आवाज़ यहाँ पानी से। काफ़ी लोग हैं, अब चलते हैं फिलहाल मंदिर के अंदर, और फिसलन भरी है सीढ़ियाँ वगैरह। आप केदारनाथ के अंदर के मंदिर से बाहर का व्यू, एंड यू कैन सी दिस द वाटरफॉल, द ब्यूटीफुल वाटरफॉल ऑफ केदारनाथ। और यहीं पर ये केदारनाथ भगवान का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, और यहीं पर है जो कि यहाँ पर एक ऊपर से झरना बहता है जो कि शंकर भगवान के जस्ट ऊपर बहता है, और ये पूरे साल भर चलता है और काफ़ी सालों से चल रहा होगा ये। ये वाला गेट के बंद किया हुआ है वैसे यहाँ पे, ये वाला गेट के बंद किया हुआ है, गेट नहीं है ये तो दीवार की पहले तो। अच्छा, तो मेनली जो भी शंकर भगवान का मंदिर होता है तो उसी के सामने नंदी होता है, इस वजह से। हाँ, और देखिए आप यहाँ पे वाटरफॉल चल रहा है और काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे मेनली। और यहाँ पर फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं सब, हाँ ले लेंगे ना आओ। और यहाँ पे देखिए भाई सब नहा रहे हैं, कर रहे हैं भाई अच्छे से, और ये भाई ये नहा रहा है, अभिषेक भी यहाँ पे मस्त मग्न हो चुका है, नहा रहा है अच्छे से, नहाने दो इसको। ये देखो भाई कोई भी आए तो नहाएगा, कोई भी आए सब नहा रहे हैं यहाँ पे, ऊँची ऊँची चट्टान है फिलहाल। केदारनाथ के मेन गेट से बाहर आ चुके हैं, लगभग 5 बजने वाला है, तो यहाँ पे एंट्री गेट बंद हो चुका है और यहाँ पे अब किसी को भी नहीं जाने देगा, और जो लोग गए हुए हैं केवल वही लोग बाहर आ पाएंगे और बाकी किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स वगैरह या नॉर्मली यहाँ पे एंट्री गेट के यहाँ पर बैठे हुए, और ये रहा केदारनाथ, और ये है दाऊद भाटा का मेन गेट। और ठीक यार, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।